हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम आपके लिए RRB-JE और SSC-JE के प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। फ्रेंड्स, RRB-JE CBT-1 जून में कंप्लीट हो चुका है, सारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और एस्टिमेटेड है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में RRB-JE CBT-2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। SSC-JE का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी सितंबर लास्ट वीक में आपका SSC-JE का एग्ज़ाम हो सकता है, लास्ट नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो दोनों ही एग्ज़ाम साथ साथ में होने वाले हैं। दोनों एग्ज़ाम्स का टेक्निकल का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसलिए गाइस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, RRB-JE और SSC-JE का दोनों का सिलेबस क्या है, और थोड़ा हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हम आपको क्या कवर अप करवाने वाले हैं इन वीडियोस में और कैसे कवर करवाने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अभी आज हम 7 जुलाई को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो अभी से हमारे पास लगभग 3 मंथ्स का ही टाइम बचा हुआ है। 3 मंथ्स में हमें सारा टेक्निकल सिलेबस कवर अप करना है, जिसमें नियर अबाउट 11 सब्जेक्ट्स हैं आपके इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उन्हें हमें 3 मंथ्स में कवर अप करना है। तो गाइज, हम आपको ये वीडियो लेक्चर्स में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आपका सिलेबस कवर करेंगे। SSC-JE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए, RRB-JE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए, सेल के ले लीजिए, इन्हीं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, आपको डिटेल्ड थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका सारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। गाइस, थ्योरी पे फोकस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उससे आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम आपकी ये सारी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू करवाने वाले हैं। सपोज एक क्वेश्चन के अंदर अगर 4 ऑप्शंस रहेंगे ABCD, क्वेश्चन का राइट आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाया जाएगा, उसके साथ जो बाकी सारे ऑप्शंस रहेंगे उन ऑप्शन से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन होगा सेम क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गाइज, अभी देखते हैं कि RRB-JE का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। RRB-JE में आपके 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल, 100 क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्निकल एबिलिटी। 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल जो हैं उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलरेडी आप CBT-1 की प्रिपरेशन के टाइम कर चुके हो, एग्ज़ाम दे चुके हो, इसे बस आप रिवाइज करते रहिए डेली। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे ये हम आपको अपने वीडियोस लेक्चर्स में कवर अप करवाएंगे। अभी हम टेक्निकल सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। टेक्निकल में RRB-JE ने 11 सब्जेक्ट्स दिए हैं, उन सबको हम 1x1 कवर करते हुए चलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस, टाइम 2 आवर्स रहेगा आपको 150 क्वेश्चंस के लिए, 120 मिनट्स RRB-JE दे रहा है। और RRB-JE इस बार आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर होने से आप आइडिया लगा सकते हो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस SSC के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा आने वाले हैं। सो फॉर दैट गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वर्चुअल कैलकुलेटर से रिलेटेड लेके आएंगे, जिसमें
हाउ टू यूज़ द वर्चुअल कैलकुलेटर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा. एक बार आप उसकी प्रैक्टिस अपने एंड पे करते रहिए, वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पे और उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एट अ टाइम सडनली कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आ पाएगा, टाइम निकलता जाएगा. इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको बता दिया जाएगा कि कैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वर्चुअल कैलकुलेटर पे, उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए. फ्रेंड्स, RRB-JE का जो सिलेबस है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज़ सर्किट लॉ. इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, दैट विल बी नेटवर्क थ्योरी. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पैरामीटर्स जो हैं इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्लस द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज पैरामीटर्स लाइक द टेम्परेचर, इनका क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पे, ये सारे हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट लॉ, किरचॉफ KVL, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्लस सर्किट्स रहेंगे जो आपको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगे. एक ही सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ईजियर कौन सा रहेगा, किस अप्रोच से आपको सर्किट को सॉल्व करना है, थ्योरम्स, थेवेनिन नॉर्टन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब आपको नेटवर्क थ्योरी के अंदर कवर करवाया जाएगा. नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है दैट इज़ मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में लेके चलेंगे, क्योंकि गाइस मशीन्स के जो बेसिक्स हैं वो सारे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं. फ्लक्स, MMF, रिलक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स ये आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल से या थ्योरेटिकल क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में आए रहेंगे उनके थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. मैग्नेटिक मटीरियल्स, मैग्नेटिक मटीरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर डील करना रहेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑल दिस विल बी कवर्ड इन दिस सब्जेक्ट, दैट विल बी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा AC फंडामेंटल्स. इसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स आपके साइनोसॉइडल से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है, ये सब आपको इस सब्जेक्ट में कवर करना है. उसके अलावा आपको RL, RC सर्किट्स से रिलेटेड छोटे सर्किट्स रहेंगे उनको सॉल्व करना रहेगा. रेजोनेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपका नेटवर्क थ्योरी में ही कवर करवा देंगे. और उसके अलावा साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ RL एंड RC सर्किट, 3-phase पावर, स्टार डेल्टा कनेक्शंस, ये सब आपको AC फंडामेंटल सब्जेक्ट के अंदर कवर करवाएंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. गाइस, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों कवर अप हो जाएंगे. इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी मेजरमेंट के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके एममीटर, वाटमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, ये सब आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कवर अप हो जाएगा. 3-phase पावर कैलकुलेशन कैसे होता है ये सब आपको इस सब्जेक्ट में आपको करवाया जाएगा. मल्टीमीटर्स, मैगर वगैरह वगैरह. अदर देन दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CRO या डिजिटल मीटर्स जो भी आपके रहेंगे, मल्टीमीटर्स वगैरह, वो सब आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कवर अप हो जाएंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स है. गाइस, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ही वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे. स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर से. इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपके 5 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे. ट्रांसफार्मर, DC, सिंक्रोनस मशीन्स, 3-phase इंडक्शन मशीन्स, इंडक्शन मोटर्स स्पेशली, एंड देन फ्रैक्शनल किलोवाट
मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ये आपके पांच सब कैटेगरीज रहेंगे मशीन्स के अंदर, जिसके हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ट्रांसफार्मर के होंगे, डीसी के होंगे, सिंक्रोनस, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, ये सब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में ये दोनों सब्जेक्ट्स, एट्थ और नाइन्थ टॉपिक जो है, ये सारा आपका पावर सिस्टम का ही पार्ट है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाएगा। स्विच गियर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन से रिलेटेड सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, रिलेज, ये सब पावर सिस्टम का पार्ट है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये भी आपका पावर सिस्टम में ही आएगा। टैरिफ वगैरह ये के क्वेश्चंस ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल ये इसको हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका इलिमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। गाइज, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स जो यूटिलाइजेशन का पार्ट है, ये सारा मशीन्स के अंडर ही कवर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ पे कौन सी मशीन्स यूज़ होंगी, ट्रेन्स में ट्रैक्शन के लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, लेथ में या आपके प्रिंटिंग मशीन्स में, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी मशीन का एप्लीकेशन कहाँ पर है, ये सारा आपको मशीन के साथ ही करवा दिया जाएगा। अदर देन दैट, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, ये हम अलग से कवर कर लेंगे। लास्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जंक्शन डायोड के कॉन्सेप्ट्स, ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी, फेट, मॉसफेट, इससे रिलेटेड सारे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करके हम ये सारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था आपका कंप्लीट आरआरबी सीबीटी 2 का टेक्निकल का सिलेबस। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स, एसएससी जेई में हमारे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल 50-50% हैं। नॉन टेक्निकल में भी 100 क्वेश्चंस हैं और टेक्निकल में भी 100 क्वेश्चंस हैं। नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, रीजनिंग से, और 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से होंगे, जिसमें आप जो ये दोनों टॉपिक आप पहले आरआरबी सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, सेम उन्हीं को रिवाइज आप करते रहिए, तो आपका नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन हो जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं टेक्निकल की। आरआरबी जेई और एसएससी जेई का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है, इनकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड की जा सकती है, एक साथ की जा सकती है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ आपको 200 टोटल क्वेश्चंस हैं, 200 टोटल क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स हैं। आरआरबी जेई में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे हैं। दैट मींस कि आरआरबी जेई में लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे ही, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर है। यहाँ एसएससी जेई थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपका एसएससी जेई का सिलेबस है, आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आप कर ही लेंगे, क्योंकि आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कर चुके हैं। हम करेंगे पार्ट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमारा टेक्निकल। आप देख लीजिए सारा सिलेबस जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए, वही सारा सिलेबस एसएससी जेई का है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मशीन्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सिलेबस आरआरबी जेई जैसा ही है, 100% सिमिलर है। इसलिए गाइस, हम इसकी प्रिपरेशन, दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ
हमें सिर्फ यही डिस्कस करना था कि हमारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या है और इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो हम आपको वर्चुअल कैलकुलेटर से रिलेटेड प्रोवाइड करवाने वाले हैं. आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, वर्चुअल कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए. उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर से वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे. आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएं, आपको पता लग जाए कि कब नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, ताकि आपकी अच्छे से सारी प्रिपरेशन इन 3 महीनों में हो जाए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस. थैंक यू. बाय बाय.